पर आज लोग बिहार समस्तीपुर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी आपकी शादी कब होने वाली है, डेट कब रिवील कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जितने हमारे हमारे इंस्टाग्राम की फैमिली देख रहे हैं, 4 मिलियन आप लोग फटाफट कंप्लीट करवा दिए। 4 मिलियन होते ही जो आपके भाभी जी यहाँ पे आ जाएंगी, हम सब मिलकर आराम से खाना वाना बनाएंगे, मस्त से जिंदगी एकदम जियेंगे, मम्मी के लिए एकदम आराम ही आराम रहेगा घर पे, ठीक है। ओ भाई साहब, तू पहले ये बता दे, तेरे को फॉलोअर्स चाहिए या तेरे को सच में शादी करनी है, या मम्मी जी के लिए सिर्फ बहू लेके आनी ताकि उनको आराम ही आराम मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सैमिस्तान और मैं हूँ आपका सैम जी। तो भाई साहब, इन भाई साहब को जितनी आग लगी हुई शादी की, इतनी आग मैंने कभी किसी को नहीं देखी कि मे भी लगी हुई होगी। वैसे ये मन जो है फरवरी का वो जा रहा है जी वेडिंग सीजन, तो ये भाई साहब ने जो इतना को रायता फैलाया हुआ ना अपनी शादी का, हर जगह रील्स 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 रील्स, जो भी इंस्टाग्राम रील्स देखता होगा उसको इसका एक ना एक वीडियो तो ज़रूर मिलता होगा। राजा भाई व्लॉग्स, सॉरी राजा व्लॉग्स भाई ने एक सेकंड नहीं छोड़ा, एक सेकंड अपनी शादी पे नहीं छोड़ा क्या कैमरा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग हमारा टाइम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तुम्हारा है मैं बताता हूँ कहाँ आ गया है। तो तू आ गया है ये इंसानों की दुनिया में, इंसानों की दुनिया में आकर तू कर रहा है शादी के लिए शॉपिंग। वो दुकानदार भी तुझे यही बोल रहा है कि भाई दुकान पे आया है ये बांजो बांजियों के लिए कपड़े वपड़े ले और निकल इधर से, पहली फुर्सत में निकल। महंगा पायल लिया वो भी अपने बहू के लिए। हाँ तो भाई शादी है तो बहू के लिए लेगी ना पायल, अभी तेरे लिए तो वो लेगी नहीं। ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ऐसे सारे ब्लॉग बनाकर डेली का दिखा दिखा कि हम लोगों ने ये शॉपिंग की, हम लोगों ने ये लिया, तो घर पे शादी वाले दिन ही चोर डाकू घुसाते हैं, वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं और बाद में भाई शादी पे इन दूल्हा दुल्हन को लूट के निकल लेते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये आदमी कवारों के दिल में ऐसी आग लगा रहा है। अरे छोड़ो, जो इसने इंस्टाग्राम रीलों में आग लगाई हुई है वो छोड़ो, लेकिन बिहारी बाबू ये नीचे धोती पड़ के रुमाल हो रही है भाई, वो देख लो पहले। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। भाई साहब कॉपीराइट की वजह से ये गाना जो है ये मेरे को म्यूट करना पड़ा है ये सेगमेंट। भाई को बहुत ही खुशी है अपनी शादी की, जितने बैचलर लोग हैं ना सारे इसको इस टाइम बद्दुआएं दे रहे होंगे कि यार क्या तूने यार ये शुरू किया हुआ रील्स पे। आए 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 खुशियां तो देखो, लड़की लेने जा रहा हूँ, लगाओ इसको हल्दियाँ, लगाओ इसको, लगाओ। जनता माफ नहीं करेगी। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ओ चचा जी, इतने पैसे तूने अपनी शादी में नहीं लगाए जितने तूने ये रीलों वाले को और कैमरामैन को दे दिए होंगे। भाई साहब उधर मोहरत निकल रहा है यार, लड़की वेट कर रही है, जा तू छोड़ दे, ये क्या तू कर रहा है बे। दूल्हा बन गया सांडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया ओए, ओ सेहरा सज गया जलवे भार, दुल्हनिया द्वार। ओ राजा भैया, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुल्हनिया द्वार खड़ी हुई है, तुम घर पे ही रीलों पर रीले बनाई जा रहे हो यार। ये बहुत ऐसा दूल्हा होगा जो कि अपने माँ बाप रिश्तेदारों को बोलता होगा यार ये टेक सही नहीं हुआ, एक मिनट दोबारा रुको यार, सारे मेरे को दोबारा से रील बनाने दो। खाओ माँ कसम। वाह दीदी। नहीं नहीं वाह दीदी, वाह दीदी, थैंक यू आपने हम लोगों को बता दिया कि बोली नहीं आपको समझना है। कसम से मैं अभी तक तो बोला ही समझ रहा था कि भाई राजा भैया इतने बोले हैं तो इनकी बीवी जो है वो भी इतनी बोली होगी। मुझे लगता है सिर्फ रीलें बनाने के लिए आप दोनों ने शादी की है कि हमारी शादी होगी तो हम लोग खुल के रीलें बनाएंगे, इकट्ठे करेंगे व्यूज इतने सारे। वाह, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया।
लेके तो तू जा रहा है भाई अपनी नगरिया, लेकिन तू उसका बेड़ा गर्क ही करेगा ले जाके भी। अब घर पहुंच भी जा, कितने रील्स बनाएगा ऑन द वे तुम। अच्छा यूट्यूब फैमिली, मैं ना तुम लोगों को थोड़ा सा जो है वो इनका शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ का, हर मोमेंट का इस बंदे ने जो है वो रील डाला हुआ है राजा व्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर। एक छोटी छोटी चीज़ का भी इस बंदे ने अपनी शादी का व्लॉग डाला हुआ है भाई। मुझको तो लगता है कि इसकी पहली बार शादी हो रही है, लेकिन शादी तो सबकी पहली बार ही होती है ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए रब्बा मैनु प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है। जहां पर मैंने राजा भैया को जूम इन किया, वहां पर जाके मेरे को पता चला कि इनको तो बवासीर है, और बवासीर जो है वो लाइलाज बीमारी है। बात तो सही है। अच्छा जी, तो फाइनली हम लोग देखेंगे लास्ट क्लिप राजा भैया का, जो के है सुहाग रात क्लिप, काफी वायरल हुआ हुआ है। भैया ने बहुत सारे बनाए, एक्चुअली मेरा यूट्यूब फैमिली चैनल है तो मैं सारे क्लिप्स नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन राजा भैया का एक क्लिप तो अब दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई थंबनेल में लगा हुआ है। तो मैं तो चीटर नहीं हूँ यूट्यूब फैमिली के साथ, लेकिन राजा भैया ने चीटिंग की, आगे हमें कुछ नहीं दिखाया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। चुपके से तो देखने का मौका ही नहीं दे रहे आप राजा भैया, आप तो सब ऑनलाइन दिखा रहे हो, कब देखेगी सजनी आपको चुपके से, हम लोग भी देख रहे हैं भाई। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। यार क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो यार राजा भैया, जो करने का जल्दी जल्दी करो यार, सारे वेट कर रहे हैं यार। तुमको तो रीलों की पड़ी हुई, कोई और मना के चला जाएगा, बोल नहीं सकता हूं मैं क्या। मां है जो हाथ तेरा, अंजाम से ना डरूंगा, अंजाम से नहीं डर रहा, हमें डर लग रहा है। देखे ये पिछला किधर है तेरा भाई, ये पीछा पीछे वाला किधर है, वो रील नहीं लगाई तूने, एक मिनट मिनट की तूने हर अपडेट दी हमें, तो वो किधर है भाई, ये तो चीटिंग है यार। चीटिंग करता है तू। जी तो गाइस आज के लिए इतना ही, राजा भैया और उनकी मिसेस को बहुत बहुत बधाइयां हमारी तरफ से, ऐसे ही खुश रहिए और प्लीज ऐसी रील्स मत बनाइए, आपकी मेहरबानी भाई, इतना क्रिंज बर्दाश्त नहीं होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वरना देखते रहिए सामिस्तान। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।